नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हरविंद कुमार सिंह। विद्यालय से नाम काटने में छात्र को प्रताड़ित करने के चलते व पेरेंट्स मीटिंग में छात्र को बेइज्जत करने से आहत छात्र ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। पूरे गांव में मातम का माहौल है। आपको बताते चलें कि ताजा मामला यूपी के सीतापुर थाना मानपुर के सरैया सनी गाँव का है, जहाँ कक्षा 11 के छात्र ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। वही परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर छात्र की हत्या का आरोप लगाया है। हाईस्कूल में 84% मार्क्स होने के बावजूद छात्र को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। छात्रों को पेरेंट्स मीटिंग में भी सबके सामने किया गया, विजित किया गया। स्कूल से नाम काटकर विद्यालय से छात्र को भगाया, जिससे आहत होकर छात्र ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली है। वही परिजनों द्वारा थाने में तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जाँच करने की बात कही है। इस पर परिजनों ने 24 घंटे के अंदर विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होने की बात कहते हुए मांग की है। नहीं कार्रवाई नहीं हुई तो अग्रिम आंदोलन करने की भी बात कही है। क्या कैसे फांसी लगाई? अभी 10 दिन पहले स्कूल वालों ने घर वालों को बिना बताए, बिना सूचना दिए बच्चे को रेस्टिकेट कर दिया। होनहार बच्चा था, हाई स्कूल में 84% अंकों के साथ वो पास हुआ था, कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ाता था। फिर फादर को बुला करके फादर के सामने बच्चे को जो है प्रताड़ित किया गया, धमकी दी गई कि यहाँ से आपका नाम काट दिया जाएगा तो कहीं आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कल पेरेंट्स मीटिंग में उसकी माँ के सामने, उसकी चाची के सामने बच्चे को डिस्प्रेस किया गया, बहुत धमकी दी गई और डांट फटकार लगाई गई। चूँकि बच्चा होनहार बच्चा था, इस हाई स्कूल में 84% मार्क्स आने के बाद में जिस बच्चे के साथ में जिसको स्कूल से निकाल दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसके खिलाफ हम लोग ये चाहते हैं कि स्कूल प्रबंधन और वहाँ के प्रिंसिपल की मिलीभगत के कारण ऐसा हुआ है, किन कारणों से हुआ है इसका पता लगाया जाए, जिसकी FIR भी अभी हमने मानपुर थाने में दर्ज कर दी है। 12वीं का छात्र था, इसने कल आत्महत्या कर ली थी। इसके परिजनों का आरोप है कि जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ के प्रधानाचार्य और वहाँ के प्रबंधक ने इसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, तो उनकी तहरीर पर 306 IPC का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसकी विवेचना की जा रही है। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें IB इंडिया न्यूज़। तब तक चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।